ये तो हम सबको पता है कि बुक्स पढ़ने से नॉलेज मिलती है, पर क्या आपको यह पता है कि बुक्स पढ़ने से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो। एक ऐसी डिजिटल अपॉर्चुनिटी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और सिर्फ बताने ही नहीं वाला, पूरा बिजनेस प्लान आपको देने वाला हूं, पूरा रोडमैप ब्लूप्रिंट आपको दूंगा कि कैसे आप जीरो से शुरू करके लाखों रुपए महीने तक पहुंच सकते हो, कैसे आप एक करियर से शुरू करके इसको एक कंप्लीट बिजनेस बना सकते हो। तो जानते हैं इस डिजिटल अपॉर्चुनिटी को, जिसको कहते हैं बुक ट्यूबिंग, यानी बुक्स के बारे में यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। बुक ट्यूबिंग एक ऐसा डिजिटल करियर है जिसकी शुरुआत स्पेनिश यूट्यूबर जेवियर रोस्कास ने 2010 में करी थी, और आज की डेट में कई इंटरनेशनल चैनल्स, कई इंडियन चैनल्स बहुत अच्छा काम बुक ट्यूबिंग में कर रहे हैं। पूरा इस फील्ड को मैं आज आपको समझाने वाला हूं। अब आप ये देखो कि वीडियोस तेजी से ग्रो कर रही है, हम सबको पता है 30 करोड़ के आसपास वीडियो कंज्यूमर यानी वीडियो देखने वाले ऑलरेडी इंडिया में हैं, और अगले साल ये नंबर 36 करोड़ हो जाएगा, जिसमें से 34 करोड़ जो वीडियो यूजर्स हैं वो यूट्यूब पे होंगे। वीडियोस तेजी से ग्रो कर रही है, नॉलेज इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। अब आप देखो, जब इतनी बड़ी डिजिटल आंधी ऑलरेडी चल रही है और बड़ी हो रही है, इसमें कुछ लोग गाली गलौज बना के, कॉन्ट्रोवर्सीज बना के ग्रो करेंगे, कुछ लोग मेरे जैसे आपके जैसे लोगों को वैल्यू देके, खुद को बदल के, दुनिया को बदल के ग्रो करेंगे। तो मैं आपको उस डिजिटल करियर के बारे में ही बताऊंगा हमेशा, जो आपको भी आगे बढ़ाए और दुनिया को भी आगे बढ़ाए। पूरा बिजनेस प्लान आपके साथ शेयर करने वाला हूं, पूरा ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, चार फेजेस में कैसे जीरो से शुरू करके आप एक बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। मैं तैयार हूं, एक्साइटेड हूं बताने के लिए, आप भी तैयार हो जाओ। नोटपैड खोलना है नोटपैड खोलो, पेन पेपर लेना है पेन पेपर ले लो, और रेडी हो जाओ। सो बुक ट्यूबर बनने का जो प्लान है, उसका जो फर्स्ट फेज है, ये किसी का हो सकता है एक महीने का हो, किसी का छह महीने का हो, सबका अपना अपना हो सकता है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन कहती है कि ये एवरेज 3 months हो सकता है, 3 months। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट मेहनत लगेगी, नेचुरल सी बात है, जीरो से शुरू करके लाखों तक पहुंचना है तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इस फेज में यानी कि शुरुआत में आप यह डिसाइड करते हो कि आप किस तरह की वीडियोस बनाओगे। कुछ लोग फेस सामने लाते हैं कैमरा के और बुक के बारे में बात करते हैं, कुछ बुक की समरीज देते हैं, कुछ सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, बुक सामने रहती है, कुछ एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं, कुछ रिव्यूज करते हैं, कई तरह के तरीके होते हैं। तो आप डिसाइड करोगे आप किस तरह की बुक ट्यूबिंग करोगे, किस तरह की वीडियोस बनाओगे, हर तरह के टॉपिक की बुक्स की बात करोगे या स्पेशलाइज करोगे, बिजनेस बुक्स ओनली, एजुकेशनल बुक्स ओनली, फिक्शन बुक्स, नॉवेल्स, वो आपको डिसाइड करना है सबसे पहले फेज वन में कि आपका टॉपिक क्या होगा, किस तरह की वीडियोस आप बनाओगे। बुक ट्यूबिंग में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है आपके पास कि बहुत सारे तरीके हैं इसको करने की, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आप सीकेन की तरह बुक समरीज बना सकते हो, वो एक बुक पकड़ते हैं उसकी समरी एनिमेशन की फॉर्म में लोगों को देते हैं, बहुत ही बढ़िया चैनल एंड बहुत ही अच्छा बंदा है, वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन। आप इंडियन यूट्यूबर की तरह बुक रिव्यूज दे सकते हो, टॉप 10 बुक्स, टॉप 5 बुक्स, टॉप 10 बुक्स ऑफ 2020, इस तरह की वीडियोस बना सकते हो। आप हेली की तरह लाइफस्टाइल और बुक्स को मिक्स करके वीडियोस बना सकते हो। अब आप में से ना कुछ लोग कहेंगे कैटेगरीज नहीं है, इतने आइडियाज नहीं है, बुक्स में बहुत लिमिटेड आइडियाज आएंगे। अगले दो मिनट में आपको एक ऐसा फैक्ट दूंगा कि आप आज के बाद ये नहीं कहोगे कि आइडियाज कैसे आएंगे, और कुछ आइडियाज भी दे दूंगा ताकि आपकी आइडियाज की शुरुआत अभी से हो जाए। ये फैक्ट सुनो आप, बुक रिव्यूज का चैनल बेटर देन फूड वीडियो काउंट 184, और बुक ट्यूबिया वीडियो काउंट 648, इंडियन बुक ट्यूबर 474 वीडियोस। अब अगर मैं और किसी की बात भी ना करूं, सिर्फ इन तीन यूट्यूबर्स की बात करें, सिर्फ तीन, तो आज की डेट तक वो 1306 वीडियोस बना चुके हैं। इट मींस 1306 तरह के पॉसिबिलिटीज तो आपके सामने पहले ही आ गई। इसके अलावा अगर आपको स्कोप नहीं है, इतने लोग शायद बुक ट्यूबिंग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बुक्स पढ़ने में, बुक्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, सिर्फ सीकेन के चैनल पे 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 23 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है इस तरह के टॉपिक के ऊपर, इस तरह की कैटेगरी के ऊपर, तो स्कोप भी बहुत है। और अगर आप कहो कि आइडियाज नहीं है, आप बुक रिव्यू करना शुरू करो, एक बुक के बारे में बताना शुरू करो, तो इस दुनिया में 13 करोड़ बुक्स लिखी जा चुकी हैं। एक बुक हर दिन भी उठा लो ना, अगर एक बुक हर दिन भी वीडियो डालो, तो 3.5 लाख साल लग जाएंगे, बुक्स खत्म नहीं होंगी और तब तक और लिखी जाएंगी। तो बहाने मत बनाना, बहाने बनाने वाले खड़े रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे वैसे के वैसे, और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी। कितनी अपॉर्चुनिटीज निकल गई होंगी, ये भी निकल जाएगी।
और ये वीडियोस बनाने के कुछ आइडियाज तो मैं अभी के अभी आपको दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर और आइडियाज सोच लेना। उसके बाद हम अर्निंग की बात करते हैं। आप बुक रिव्यू कर सकते हो, बुक के बारे में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा लोगों को बता सकते हो, लेट्स रीड टुगेदर कर सकते हो, आप ऑडियंस के सामने बैठ के बुक में से कुछ चीजें पढ़ रहे हो। आप बेस्ट बुक्स या टॉप बुक्स बता सकते हो, फिक्शन में कौन सी बेस्ट है, नॉन फिक्शन में कौन सी बेस्ट है, रोमांस या सेल्फ हेल्प में कौन सी बेस्ट है। आप बुक ऑफ द वीक, बुक ऑफ द मंथ या बुक ऑफ द डे बना सकते हो। आप हाउ टू वीडियोस बना सकते हो ना, हाउ टू रीड अ बुक, हाउ टू रीड फास्टर, हाउ टू लर्न फ्रॉम अ बुक। आप कोलैब कर सकते हो, किसी और के साथ बैठ के बुक को डिस्कस कर सकते हो। आप बुक पढ़ते हुए व्लॉग कर सकते हो, कहीं जा रहे हो और साथ साथ बुक की बात कर रहे हो। आप बुक फेयर्स को कवर कर सकते हो, आप बुक्स के कॉम्पिटिशन रख सकते हो। आप चाहो तो उन बुक्स की बात कर सकते हो ना जिनके ऊपर मूवीज बनी है, अडेप्टेड मूवीज। सो फेज वन में अभी तक आपने कैटेगरी सोच ली, आइडिया सोच लिए, आपको टॉपिक्स का आइडिया हो गया किस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। अब इसी फेज वन में सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अर्निंग्स को समझना होगा, इनकम कैसे जनरेट करेंगे, कैसे पैसा आएगा। अभी फेज वन में सिर्फ दो तरीके की इनकम पे हम फोकस करेंगे, दो तरीके की इनकम की बात करेंगे। आगे जैसे जैसे जाएंगे फेज 3-4, हम इस इनकम को इंक्रीज करेंगे, इस बिजनेस को इंक्रीज करेंगे, लोगों को ज्यादा वैल्यू दे पाएंगे, इस करियर को, इस पैशन को ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। फेज वन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो तरह की इनकम हमें अब बिल्ड करनी है, सेट करनी है। देखो अगर पॉसिबिलिटी की बात करें ना तो यूट्यूब पे वीडियोस बना के 13 से ज्यादा इनकम सोर्सेज आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब 13 जगह से आपको अलग अलग तरीके की इनकम आ सकती है, इतना पॉसिबिलिटीज के अंदर है। तभी मैं ये कहता हूं कि सिर्फ क्रिएटर मत बनो, वीडियो क्रिएटर मत बनो, वीडियो प्रनोर बनो, मतलब वीडियोस के साथ एंटरप्रेन्योरशिप करो। इसके ऊपर मेरी कंप्लीट ट्रेनिंग है जहां मैं अपने स्टूडेंट्स को ये हर चीज सिखाता हूं, डिटेल में सिखाता हूं, दुनिया का सबसे डिटेल्ड प्रोग्राम मैंने बनाया, अपना सारा एक्सपीरियंस उसके अंदर शेयर किया है। उसके रिलेटेड एक फ्री ट्रेनिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन डेप्थ अगर इस करियर को, इस फील्ड को समझना चाहते हो तो जरूर समझो। अभी मैं फेज वन की बात करूंगा तो दो इनकम सोर्सेज यहां पे आप क्रिएट कर सकते हो। पहला है एड रेवेन्यू, यानी आपके वीडियो के शुरू होने से पहले जब कोई एड चलता है तो उसमें से कुछ परसेंट रेवेन्यू आपको मिलता है। आपकी वीडियो बुक्स के रिलेटेड लोग देख रहे हैं, उस पर एड चल रहा है और आपको हर एड चलने पर कुछ शेयर मिलता है। So, ये आपका फर्स्ट फेज में इनकम सोर्स शुरू हो जाएगा जैसे ही आपका चैनल कुछ बेसिक गाइडलाइंस को मीट करेगा। तो अपना चैनल बनाना है, उसके बाद कुछ वीडियोस के बाद जब आप क्राइटेरिया को मीट कर जाते हो आपका एड रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका जो बहुत जरूरी है बुक ट्यूबर्स के लिए, जिसको हम कहते हैं एफिलिएट इनकम, यानी कि जिस बुक के बारे में आप बात कर रहे हो, जिन बुक्स की समरी दे रहे हो, जिन बुक्स के रिव्यूज दे रहे हो, जिन भी बुक्स को आप इंक्लूड कर रहे हो, उसका एमेजॉन लिंक या फ्लिपकार्ट लिंक या खरीदने का जो भी लिंक है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देते हो। जब भी कोई बुक खरीदता है, चाहे अमेजोन से खरीद रहा है, फ्लिपकार्ट से खरीद रहा है, आपको उसमें से कुछ परसेंटेज शेयर मिलता है, कमीशन मिलती है गाइड करने के लिए, रेफर करने के लिए। तो आप वीडियो से भी अर्न कर रहे हो, लोगों को अच्छी बुक्स के बारे में बता रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, और अगर लोग वो बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप उनको लिंक भी दे रहे हो और आपकी एक सेकेंड अर्निंग भी शुरू हो जाती है। फेज वन में दो इनकम्स आपकी स्टार्ट हो गई। So, अब आप जब वीडियोस डालते जाओगे, वीडियोस बनाते जाओगे, पहले तो आप समझोगे कौन सी वीडियो चल रही है, कौन से टॉपिक चल रहे हैं, इंप्रूव करोगे, कुछ दिन जाएंगे, जाने चाहिए, सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे जैसे आप समझोगे एड रेवेन्यू कैसे चल रहा है, किस तरह की बुक्स की मैं बात करता हूं तो मेरी अर्निंग ज्यादा है, किस तरह के टॉपिक्स की बात करता हूं तो एड रेवेन्यू ज्यादा है, जैसे जैसे आप इस चीज को समझते जाओगे ना, आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज करते जाओगे। मैं एक रैंडम कैलकुलेशन दे रहा हूं, ये नंबर हर किसी के लिए नहीं है, आपकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। कोई हो सकता है एक महीने में अचीव कर ले, कोई हो सकता है छह महीने में भी अचीव ना करे, ये आपकी मेहनत है। लेकिन अगर आपके एक महीने में 5 लाख व्यूज टोटल सारी वीडियोस पे आए, सारी वीडियोस की बात कर रहा हूं, लोगों के एक वीडियो पे आ जाते हैं 5 लाख व्यूज, सारी वीडियोस के मिला के अगर 5 लाख व्यूज आ गए तो आपने अराउंड 20,000 का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, 20,000 रुपए आपके आ गए महीने के। इसके अलावा जो लोग बुक्स खरीद रहे हैं आपकी वीडियोस देखने के बाद, उसकी एडिशनल इनकम साथ में आ गई, तो 3 महीने में 20,000 से 40,000 रुपए की एक इनकम आपने जनरेट कर ली। लेकिन एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यह है कि वो वीडियोस बन चुकी हैं, वो चल रही हैं, आप चौथे महीने में पहुंचने वाले हो, आप फेज टू में एंटर कर रहे हो, लेकिन उसकी अर्निंग आपको आती रहेगी क्योंकि वो वीडियोस लोग देख रहे हैं, वो बुक्स लोग खरीद रहे हैं। ये है एडवांटेज डिजिटल इनकम्स की, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की, क्या आपने जो काम पहले महीने किया चौथे महीने भी आपको उसका फायदा हो रहा है। अब हम एंटर करेंगे अपने फेज टू में। अब सेकेंड फेज में क्या होगा, अब जब आप फेज टू में आओगे ना तो ऐसा ना हो कि आप सोचो यार 40,000 50,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, हमारा तो सही चल रहा है, सॉर्टेड चल रहा है, और क्या करना।
बड़ा सोचोगे तो बड़े सपने होंगे, बड़े सपने होंगे बड़ा विश्वास होगा, बड़े एक्शन होंगे और बड़ा रिजल्ट होगा, नहीं तो हम पीछे जाते जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। फेज टू में आपके पास एक बहुत बड़ी जायदाद है, वो है एक्सपीरियंस। आप अब कुछ चीजों को समझ चुके हो। अब एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, एक बिजनेसमैन क्या करेगा, वो सेम चीज नहीं करता रहेगा, वो अब सिस्टम क्रिएट करेगा। अब देखो कौन सी ऐसी चीज है, जितनी आपने इनकम क्रिएट करी उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के री इन्वेस्ट करो। क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है, टीम बढ़ाई जा सकती है, आप किसी को एडिटिंग के लिए रख सकते हो, आप किसी को हेल्प करने के लिए रख सकते हो कि बुक्स फाइंड करने में आपकी हेल्प करे, बुक्स के बारे में रिसर्च करने में आपकी हेल्प करे, बुक्स पढ़ने में आपकी कंपनी दे, कई तरह की चीजें आप कर सकते हो। सो अब आपने कुछ पैसा वापस लगा के क्या खरीदा, टाइम खरीदा, ताकि आप नेक्स्ट लेवल की चीजें कर सको, फेज टू को सक्सेसफुल कर सको। अब आपने टाइम निकाल के क्या करना है, आपने काम करना है स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर। अब इस फेज तक अगर आपका चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, हो सकता है कुछ पब्लिशर्स आपको अप्रोच करें, कुछ राइटर्स आपको अप्रोच करें कि आपके पास अच्छी ऑडियंस है, हमारी बुक की समरी दो, आपके पास ऑडियंस है, हमारी बुक के बारे में बात करो, हमारे पब्लिशिंग हाउस के बारे में बात करो। आप उनसे एक फीस चार्ज कर सकते हो और उस बुक के बारे में रिव्यू कर सकते हो, लेकिन वो बुक आपकी ऑडियंस के फेवर में होनी चाहिए, वो बुक सच में अच्छी होनी चाहिए। ऑडियंस के साथ कभी लाइफ में गलत मत करना, ऑडियंस ही आपको बनाती है, अगर गलत करोगे तो आप रहोगे भी नहीं। सो अब आप नेक्स्ट इनकम मॉडल पकड़ोगे स्पॉन्सरशिप्स, अच्छी बुक्स के जब आपको कोई क्वेरी आए तो उससे आप चार्ज करो। आप खुद से पब्लिशर्स को अप्रोच कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि मैं एक बुक ट्यूबर हूं, मैं आपके पास कोई अच्छी बुक है तो उसके बारे में रिव्यू कर सकता हूं। शुरू में हो सकता है कम कॉस्ट पे करनी पड़े, पर जब आपका चैनल ग्रो करता है आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। इसमें उस पब्लिशर का भी फायदा, उसकी बुक ऑडियंस तक पहुंच रही है, ऑडियंस का भी फायदा, उनको अच्छी बुक मिल रही है, और आपका भी फायदा, आपको आपकी मेहनत के बदले में रिटर्न मिल रही है। अब इसको और एक्सपैंड करना है, फेज थ्री में जाना है। फेज थ्री में जाने से पहले दो चीजें और कर लो, आपके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, या पहले भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इसलिए फेज टू में रख रहा हूं। एक वेबसाइट आपके नाम की, आपका जो भी चैनल का नाम है उससे रिलेटेड आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। उसमें आप ब्लॉग्स किसी से लिखवा के डाल सकते हो या खुद लिख सकते हो। उसमें आप जो भी वीडियोस डालते हो उसका भी एक लिंक वहां पे रख सकते हो। लोगों को पता हो इस साइट पे जाएंगे हमें अच्छी बुक्स के बारे में पता चल जाएगा, तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। दूसरी चीज, आपके पास आपकी ऑडियंस जो आपके साथ कनेक्टेड है उनका ईमेल या व्हाट्सएप या फोन नंबर, ये आपके पास होना चाहिए, सो दैट जब भी आपकी कोई नई वीडियो आए आप उनको इन्फॉर्म कर पाओ, कोई बुक अच्छी लगी आप उनको बता पाओ, आपको भी अर्निंग मिलेगी, उनका भी फायदा होगा। स्पॉन्सर्स भी इस चीज को वेटेज देंगे कि आपके पास कॉन्टैक्ट है आपकी ऑडियंस का, तो वो आपको ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब सेकेंड फेज की इन चीजों को करने से आपको मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट फील होगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर की तरह चलोगे, बिजनेसमैन की तरह चलोगे, सीखते जाओगे और री इन्वेस्ट करते जाओगे, इसको बड़ा करते जाओगे, तो आपको फील होगा कि आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई करेगी। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपनी ऑडियंस को सर्व किया है, सर्व करते हुए खुद को ग्रो किया है, तो मैं इस मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट को जी रहा हूं, मैं इसको जीता आया हूं, इसीलिए आपको बताता जा रहा हूं, दिल से बता रहा हूं कि आप भी करो, अपने तक नहीं रखना चाहता। अब जो थर्ड फेज में हम जा रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, सीधा फोर्थ फेज में जा सकते हो, लेकिन मैंने आपके लिए पूरा ब्लूप्रिंट रेडी किया। मुझे लगता है थर्ड फेज में जरूर जाओ, क्योंकि आपकी ऑडियंस इसके रिलेटेड है। थर्ड फेज में हमें क्या करना है, अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब बहुत सारी बुक्स पढ़ चुके हो, बहुत कुछ प्रैक्टिकली कर चुके हो, अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि आप अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करो। बहुत सारी बुक्स की बात करी, बहुत सारे ऑथर्स की बात करी, क्यों ना अब खुद ऑथर बनो। ऑथर शिखा, ऑथर कुलदीप, ऑथर रवि, आप लोग अपनी बुक लिखो, और लिखो, जरूर लिखो, दिल से कह रहा हूं, मैंने बुक लिखी है, मैं इस फीलिंग को जानता हूं। जब मैंने बुक लिखी थी, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, इतना खरीदा इस बुक को, आउट ऑफ स्टॉक चले गई थी, और उसके बाद हमने सोचा, मैंने बार बार अपनी वीडियोज में भी बोला, कमेंट्स में कई बार लिखा कि अब आप बुक क्यों खरीद रहे हो, वीडियोस में मैं सब कुछ आपको दे रहा हूं, आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार है कि बार बार आपके कमेंट्स आए कि हमें बुक भी चाहिए, हमें बुक भी चाहिए, बुक भी चाहिए। हमने इसको रीप्रिंट किया, ये दोबारा सेल में आई, और यही चीज मैं आपके लिए बिचा रहा हूं कि अब आप अपनी बुक लिखो, आप बहुत रीडिंग कर चुके हो, आपके पास बहुत कुछ है, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करो, अपनी लाइफ की चीजों के साथ शेयर करो, आपकी ऑडियंस बहुत खुश होगी आपकी बुक पढ़ के, उनको बताओ जो चीजें आप वीडियोस में नहीं बता पा रहे। देखो आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पहली बुक खुद लिखो, उसको फील करो,
उसके बाद आप किसी राइटर को बुला सकते हो, उसको सब कुछ सुना सकते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, वो लिखता जाए। इसको गोस्ट राइटर कहते हैं, जो आपके लिए लिख देंगे, आप सिर्फ उनको वर्बली सुना दोगे, व्हाट्सएप टाइप कर देंगे। लेकिन पहली बुक एक्सपीरियंस करो कैसे लिखी जाती है, कैसे क्रिएट करी जाती है। अब रेवेन्यू की बात करें तो एक एग्जांपल लेता हूं कि अब हम 6 months क्रॉस कर चुके हैं, 7वें-8वें महीने तक पहुंच चुके हैं, 1 lakh सब्सक्राइबर्स एक एवरेज लेके चलता हूं आपके हो गए, इससे ज्यादा होने के चांसेस पूरे हैं क्योंकि देश में डिजिटल आंधी चल रही है। 1 lakh सब्सक्राइबर्स है, इसमें से सिर्फ 1000 लोगों ने फर्स्ट मंथ में आपकी बुक खरीदी। एवरेज मार्जिन एक बुक पे 100 रुपए, तो आपके पास 1 lakh rupees का रेवेन्यू आ जाता है। आप इसको रीइन्वेस्ट करते हो अपनी बुक को, और मार्केट करते हो, अपना सब्सक्राइबर बेस और ग्रो करते हो, और अच्छी वीडियोस बनाते हो, तो ये एक एडिशनल इनकम सोर्स आपका शुरू हो जाता है और आप एक पर्सनल ब्रांड बन जाते हो। लोग अब आपको एज अ ऑथर भी जानते हैं, एज अ ब्रांड भी जानते हैं। दूसरों की बुक्स की बात भी करते हो और आपकी अपनी बुक भी है। अब इस ब्लूप्रिंट का, इस बिजनेस प्लान का फेज 4 आखिरी फेज। आप चाहो तो सेकेंड फेज पर रुक सकते हो, थर्ड फेज पे रुक सकते हो। थर्ड फेज तक पहुंचते पहुंचते आपकी एड इनकम चल रही है, एफिलिएट इनकम चल रही है, स्पॉन्सरशिप इनकम चल रही है, और आपकी अपनी बुक की सेल चल रही है। 4 तरह की इनकम सोर्सेज आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो। लेकिन मैं बड़ा सोचता हूं, इसलिए आपको भी बड़ा सोचने को बोलूंगा। एक एंटरप्रेन्योर की तरह अब जो आप पैसा अर्न कर रहे हो उसको री इन्वेस्ट ज्यादा करो, और बड़ी चीजें करो, पैसिव इनकम्स क्रिएट करो। अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो? देखो, आपकी पूरी ऑडियंस वो है जो बुक्स पसंद करती है, जो सीखना पसंद करती है। अब आपके पास उस तरह का पूरा नेटवर्क है, जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं। अब आपके पास प्रिंटर्स का कनेक्ट है, पब्लिशर्स का कनेक्ट है। अब आप अपना एक मिनी पब्लिशिंग हाउस बना सकते हो। जो भी लोग लिखना चाह रहे हैं, जो टैलेंट आपको नजर आ रहा है इस दुनिया में है, वो लिखना चाह रहे हैं लेकिन उनको ये सब समझ नहीं है, सिस्टम नहीं पता, आप उनको हेल्प कर सकते हो और कुछ कमीशन उनकी सेल के ऊपर आप चार्ज कर सकते हो। मतलब बडिंग राइटर्स को प्रमोट करो, उनकी बुक के बारे में बात करो, प्रिंटिंग में हेल्प करो, और एज अ बिजनेस अपना शेयर उसमें से रखो। आप चाहो तो मल्टीपल चैनल्स क्रिएट कर सकते हो, बडिंग यूट्यूबर्स को मौका दे सकते हो। सो कई तरह के तरीके करे जा सकते हैं जहां पे आप अपनी अर्निंग को सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस के साथ। ये होता है एक विजनरी एंटरप्रेन्योर। ये चीज आप भी कर सकते हो फेज 4 में, और आपकी मल्टीप्लिकेशन कई गुना बढ़ जाएगी, कई तरह के इनकम सोर्सेज रिप्लीकेट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। देखो, इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से और मेरे 8 साल के यूट्यूब के एक्सपीरियंस के हिसाब से 12th month तक 1 lakh rupees पर मंथ का प्रॉफिट कह रहा हूं, इनकम नहीं कह रहा, मतलब खर्चे काटने के बाद भी 1 lakh बहुत आराम से पॉसिबल हो सकता है। कुछ लोग पहले अचीव कर सकते हैं, कुछ लोग 12th month तक 1 lakh से कई गुना ज्यादा अचीव कर सकते हैं। यह रिजल्ट सबका अलग होगा, आपकी मेहनत कितनी है, आप कितना सीरियसली इस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हो, कितना सीख रहे हो, कितना लर्न कर रहे हो, कितना लोगों को मिल रहे हो, कितना आप अंदर घुसे हो इस फील्ड के, उस पर डिपेंड करेगा आप क्या अचीव कर रहे हो। आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को लेके सीरियस हो तो आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियो प्रनोर का पार्ट बन सकते हो, इसमें एनरोल कर सकते हो। इतनी चीजें डिटेल में बताई है, स्टेप बाय स्टेप बताई है, 8 steps में पूरा वीडियो प्रनोरशिप समझाया है, कैसे आप वीडियो के थ्रू इस डिजिटल आंधी में, जो कंट्री में वीडियोस की ग्रोथ हो रही है, उसमें बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हो, बहुत बड़ी इनकम बना सकते हो और बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो, लोगों को बहुत बड़ा चेंज दे सकते हो, दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। मेरी ये मिशन है कि मैं इंडिया में 10,000 वीडियो प्रनोर्स क्रिएट करूं, यानी 10,000 ऐसे लोग क्रिएट करूं जो वीडियोस के थ्रू कंट्री को बदल रहे हैं, थॉट को बदल रहे हैं, डिफरेंस को बदल रहे हैं, एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए जो मेरे पास है सब कुछ मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दे रहा हूं। ये तो आपको पता है कि इंटरनेट पे बहुत लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग गालियां देकर, कॉन्ट्रोवर्सीज, इस तरह की चीजें बना के खूब कमा रहे हैं, और कुछ लोग दूसरों को वैल्यू देकर कमा रहे हैं। मैंने शुरू से ही लोगों की लाइफ्स को बदलते हुए अपना ब्रांड बनाया है, अपना इन्फ्लुएंस बनाया है और अपनी इनकम बनाई है। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ इस तरह के डिजिटल करियर्स की बात करता हूं, बुक ट्यूबिंग जैसे करियर्स की बात करता हूं, जिसमें आप अपनी लाइफ तो बदलते हो, आप तो ग्रो करते ही हो, लेकिन साथ में कितना बड़ा चेंज दूसरों की लाइफ में क्रिएट कर देते हो। क्योंकि डिजिटल में ना वो पावर है कि हम घर बैठे देश को बदल सकते हैं। कुछ लोग सोच बिगाड़ रहे हैं और कुछ मेरे और आपके जैसे लोग सोच बना रहे हैं, और हम बनाते जाएंगे, बनाकर रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और डिजिटल अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करता रहूं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।